नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। उत्तराखंड के टिहरी जिले में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर यहां के मनोरम दृश्य को देखकर काफी खुश नजर आए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पर्यटन सचिव ने कहा कि पर्यटन के लिए अभी टिहरी को उभरने में समय लगेगा। वैश्विक कोरोना महामारी ने संपूर्ण पर्यटन व्यवसाय को ठप कर दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे उत्तराखंड में पर्यटन को खोला जा रहा है। लोग भारत के कुछ ही राज्यों में से एक है कि जिन्होंने पर्यटन क्षेत्र लोगों के लिए फिर से खोल दिया है। हमारे साथ शायद गोवा, हिमाचल जैसे कुछ एक राज्य होंगे जिन्होंने यह पर्यटकों के लिए खुला हुआ है, लेकिन हम इसके संदर्भ में भी बहुत ही कॉशियस चल रहे हैं। बहुत ही जो है वो सीमित लोगों को और बड़ी प्रिकॉशन के साथ लोगों को यहाँ आने के लिए कहा जा रहा है। जिनके पास कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट है वही लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद होटल्स ने, वाहनों ने कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं उसके संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है और उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर्यटन व्यवसायियों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसे मैं अभी यहाँ पर टिहरी में हूँ, टिहरी के हमारे लेक पर इस बार बिल्कुल ही कुछ कार्य नहीं हो रहा है और उसी के चलते विकास खंड के कीर्तिनगर के पास तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में जाकर गिर गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी सवार लड़की ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे घायल को अस्पताल से एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गाड़ी गिरने की सूचना थी यहाँ माउंट गार्मेल स्कूल के पास, जिसमें देखा गया घटना स्थल पहुँचते दो लोग थे, एक महिला एक पुरुष। महिला का थोड़ा गंभीर स्तर है और व्यक्ति काफी हद तक ठीक है। फिलहाल दोनों को निकाल दिया गया, हॉस्पिटल जाके आगे की कार्रवाई की जाएगी। विकास खंड जौनपुर में मुख्यालय तथ्यूर में कार्यकृत कर्मचारियों ने मनरेगा संगठन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी प्रवेश पोखरियाल की देखरेख में ये चुनाव कराए गए। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए तीन लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की, जिसमें दो दावेदार हरी लेखवार और सुमन रौनछेला को बराबर के मत मिले, जबकि तीसरे दावेदार को सिर्फ दो ही मत मिले। दोनों दावेदारों के बराबर मत होने के बाद चुनाव अधिकारी ने लॉटरी के माध्यम से चुनाव की कार्यवाही संपन्न करवाई, जिसमें सुमन रौनछेला को अध्यक्ष घोषित किया गया। आज यहाँ पे मेरे अध्यक्षता में चुनाव हुआ था संगठन का, जिसमें टोटल 23 मतों का प्रयोग किया गया, जिसमें से 10 वोट सुमन रौनछेला और 10 वोट हमारे पुराने अध्यक्ष श्री लेखवार जी को पड़े थे और 2 वोट हरीश गौड़ जी को पड़े हैं और 1 मत खराब हुआ है, जिससे कि दोनों टाई हो गया था रिजल्ट। और उसके बाद पर्ची के माध्यम से सुमन रौनछेला जी को अध्यक्ष चुना गया और अन्य कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, जिससे कि देखो नरेगा संगठन में कार्यकारिणी का मतलब इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग अब मनरेगा की बात अपनी बात जो रखने के माध्यम है सुमन रौनछेला जी को मानते हैं और इनके माध्यम से हम जो भी कार्यकारिणी को करना होगा। मैं अपने सभी साथियों को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोगों ने मुझे आज फिर दोबारा अध्यक्ष बनाया है और इससे पूर्व भी मैं था। अभी लेखवार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें बराबर, हमारा ये स्थिति थी दोनों कैंडिडेट थे, वो दोनों बराबर पे रहे और हम टाई में ही मैं विजयी रहा हूँ और मेरी तरफ से मैं ही विजयी हूँ। मेरे साथ मेरे सभी साथी विजयी है और मेरे लेखवार जी मेरे साथी हैं, ये भी विजयी है क्योंकि ये भी बराबर में हम लोगों के, सिर्फ टाई पे ही मैं निकला हूँ और मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने संगठन के लिए जो भी हमारे मेरे से हो सकेगा मैं सब चीज करने के लिए तैयार हूँ। कोरोना संकट के चलते ऋषिकेश से 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित आगर खाल की चहल पहल गायब सी हो गई है। ये एक रमणीक स्थान है जो ऊंचाई पर होने के साथ साथ चारों ओर से खुला हुआ है और हर साल वहाँ के बाजार यात्रियों से गुलजार रहता है। लॉकडाउन की वजह से दुकानदारों का धंधा यहाँ ठप पड़ा हुआ है। इस संबंध में दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल में उनका धंधा चौपट हो गया है, लिहाजा सरकार को कोई हल निकालना चाहिए और उन्हें राहत राशि मुहैया करवानी चाहिए। यात्रा रूट का प्रथम पड़ाव आगरा खाल में जो है, आजकल ये कोरोना महामारी की वजह से जो है इक्के दुके गाड़ियां जो चल रही है वो भी यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही है और यहां पर जो है व्यापारियों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मेरे आगरा खाल में चाय की दुकान थी, 2-2.5 महीने तो लॉकडाउन की चक्कर में बंद ही रही, जिसमें जो है लोगों को लाखों रुपये का लेन देन है, स्टाफ का, दूध वालों का, वो बड़ी मुश्किल से। अब 9 तारीख को दुकान खोली, 9 जून को, तो इसमें जो है कोई आने जाने वाला कोई ग्राहक ही नहीं है दुकान में। सुबह को थोड़ा बहुत समोसे छोले बनाओ तो बंदर ही खा रहे थे, कोई सागर ही नहीं है और हमारे जो है 2-3 स्टाफ थे वो सब बेकार हो गए और हमारे पास और कोई साधन है नहीं, बिल्कुल आदिम हो गए। उत्तराखंड
उत्तराखंड में आजकल हरेला पर्व की धूम है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय किशोर ने अपने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विकास नगर के एक स्कूल समेत ईसातुल कुरान मस्जिद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरेला प्रकृति और मानव का आपसी प्यार का त्यौहार है और हम वृक्ष लगाकर पर्यावरण को साफ सुथरा बना सकते हैं। देखिए, पौधारोपण जो हो रहा है, पौधे जो हमारे पेड़ लगते हैं उससे हमारा जो पर्यावरण है वह तो सुरक्षित रहता ही है, और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो। ये नहीं कि हरेला के समय ही हो, समय समय पर हर सरकार को लगाना चाहिए। हमने भी जिला कांग्रेस कमेटी ने संजय जी के नेतृत्व में कम से कम 5 से 7 हज़ार पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, और अब तक हम कम से कम 5 हज़ार पौधे लगा भी चुके हैं। तो जगह जगह मेदनीपुर, बद्रीपुर, जीवनगढ़, डिवाइन स्कूल, बाड़वाला, तो आगे भी इस कार्यक्रम को हम चलाते रहेंगे लगातार, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल सके।